वेलकम टू पहल क्लासेज। आज हम डे 23 में फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन से दोनों, देखते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी इज आई इक्वल टू 15 कोस 300 टी एम्पियर। वाट इज द RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कम्प्लीट साइकिल। हमें RMS वैल्यू फाइंड करनी है और एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। RMS और एवरेज साइकिल के फॉर्मूले हमें पता है कैसे निकालते हैं हम एवरेज वैल्यू, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे हम। हमें आई दी हुई है 15 cos 300 t। जनरली हमारे जो हम जो यूज लेते हैं वो साइन के इक्विवेलेंट फॉर्म यूज लेते हैं। हमने इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब इसको हम कंपेयर कर लिए इस इक्वेशन से, तो ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई हमारे पास है 15। हमें RMS वैल्यू पूछी है। मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, मैंने जब प्रीवियस डे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, RMS वैल्यू होगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू की रूट टू टाइम्स, 1/√2। देखिए यहाँ पे 15 मैक्सिमम वैल्यू है, रूट टू से डिवाइड किया हमने, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है इसका 10.606। ध्यान रखेंगे हम कभी भी कोई भी इक्वेशन दी हुई है और हमें RMS वैल्यू पूछी है, हम उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, तब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, और मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स जो होगा वो RMS वैल्यू होगी। यही हमने फटाफट से यूज किया और हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में मैं एवरेज पूछिए। मैं यहाँ पे कंसेप्ट पहले बताना चाहूँगा आपको। हमें किसी भी फंक्शन का एवरेज या औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह डिनोट करते हैं हम f(t) उसका फंक्शन। यदि 0 से t क्या है, उसका टाइम पीरियड, जितने भी टाइम के लिए हमें निकालना है, कंप्लीट साइकिल के निकालना है तो 0 से t हो गया, t/2 के लिए निकालना है t/2 रख देंगे, जितने भी टाइम के लिए जितने भी साइकिल के लिए निकालना है हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 to t f(t) dt अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 to t। ये एक बेसिक फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन हो हमारे पास में, टी का एक्स का है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास में। इसको हम ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे केवल एवरेज वैल्यू पूछे, हमें पता है साइन की एवरेज वैल्यू क्या होगी 1 कंप्लीट साइकिल में साइन और कोस की। देखिए यहाँ पे एवरेज क्या होता है, दोनों का पूरी साइकिल कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक। इस क्वेश्चन को हम बिना सोल्व के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है कंप्लीट वैल्यू, और जितना यहाँ पे पॉजिटिव लेवल है उतना ही यहाँ पे हाफ साइकिल में नेक्स्ट नेगेटिव लेवल है। दोनों को जब एवरेज लेंगे हम तो एक प्लस है उतना ही माइनस है, एवरेज कितना आ जाएगा 0। तो हम सिंपली भी एवरेज करना चाहेंगे इनका तो हमें पता है 0 आएगा, और इससे फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो भी 0 निकल के आता है। आप वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट करके निकाल के देख सकते हैं 0 आएगा आंसर। और वैसे भी कैसे देख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एवरेज 0 आएगा। इसी तरह एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है, 0। यही हमारा सेकंड पार्ट है। हमें उसकी एवरेज वैल्यू पूछी थी कितनी होगी करंट की, तो वो क्या हो जाएगी पूरी साइकिल में 0 के बराबर। एक बार करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव है, इसलिए एवरेज मेरा टर्न आउट टू बी 0। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। देखते हैं, डिफाइन द टर्म वॉटलेस करंट। हमें वॉटहीन करंट को बताना है क्या होती है। देखिए बहुत आसान है, हम देखते हैं। हमें पता होना चाहिए पावर जो होती है एक RLC सर्किट में या RC सर्किट में, जो भी AC सर्किट है उसमें किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम, I²Z(cos⁡। जहाँ पे I मेरी करंट है, Z मेरा इम्पीडेंस जिसे हम प्रतिबाधा बोल सकते हैं हिंदी में, और cos फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। फाई क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है I²Z(cos⁡। Z यहाँ पे बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लाइक प्योरली रजिस्टिव है R हो जाएगा, RLC है तो √XL-XC का स्क्वायर प्लस R² हो जाता है, इस तरह से ये चेंज होते रहता है। देखते हैं इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कब होगी पावर। अब वाटलेस करंट किसे बोलेंगे, जहाँ पे पावर डिसिपेशन 0 हो। बहुत सिंपल है इसको फाइंड करना हमारे लिए। वाटलेस करंट में पावर डिसिपेशन 0 कब होगा, जब cos फाई 0 हो जाएगा, और cos की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, π/2 पे। इसका मतलब फाई मेरा कितना हो जाए, π/2। और हमें पता होना चाहिए मेरा प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव जब सर्किट होता है, तब करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो मेरा π/2 होता है दोनों केस में। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज पीछे रहता है, और इंडक्टर के केस में उल्टा होता है। इसे हम इस शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं, CCL, कैपेसिटर करंट लीडिंग, इससे हम याद कर सकते हैं इसे।
इस तरह हमारे पास पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तब पावर डिसिपेशन जीरो होगा, और हमारा इस तरह की करंट, जब पावर डिसिपेशन जीरो है उस करंट को हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट बोल देंगे। काफ़ी सिंपल है ये, यही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी नोट डाउन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।